झारखंड स्थापना दिवस समारोह के लिए रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रही तैयारियों का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर चल रहे निर्माण कार्य को देखा। इस दौरान विभिन्न विभागों के मौजूद पदाधिकारियों को कार्यक्रम के सिलसिले में दिशा निर्देश दिया। कार्यक्रम में अतिथियों के बैठने की व्यवस्था पर पदाधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम में 15,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मंगलवार की सुबह 10 बजे तक सभी लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे, जबकि कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 12:30 बजे से होगी। लोगों को मोरहाबादी मैदान तक लाने के लिए करीब 350 बसों की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री को यह भी बताया गया कि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 5,000 पुलिस बल रांची एयरपोर्ट से लेकर मोरहाबादी मैदान यानी कार्यक्रम स्थल तक प्रतिनियुक्त किए गए हैं, जबकि 140 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं इस मौके पर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और SSP किशोर कौशल सहित विभिन्न विभाग के सचिव भी मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड स्थापना दिवस पर इस बार पहले से कहीं ज्यादा बेहतर व्यवस्था होगी। इस बार शानदार तैयारियां की गई हैं। मालूम हो कि इस बार झारखंड स्थापना दिवस पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मुख्य अतिथि बनाया गया था, लेकिन उन्होंने समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति के आगमन को ध्यान में रखकर इस बार विशेष तैयारियां की जा रही थी, लेकिन रविवार को उनका अचानक कार्यक्रम गया। द्रौपदी मुर्मू झारखंड आएंगी, लेकिन वह सीधे रांची एयरपोर्ट से खूंटी चली जाएंगी। वहां भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी, इसके बाद लौट जाएंगी। सस्पेंस रहे तो ज्यादा मजा आएगा और लोगों को और अच्छा लगेगा कि जो हम लोगों का स्थापना दिवस हम लोग इस बार मनाएंगे। मुझे लगता है कि 20 वर्षों में जितने स्थापना दिवस हुए उससे बिल्कुल ये भिन्न होगा। एक नई शुरुआत झारखंड के लिए। कल देखते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।